Hello and welcome. Myself, Dr. Mike from the Department of Community Medicine, Assistant Professor. Today we'll be discussing about HIV/AIDS. ये टर्म आप जिससे कि बहुत ज़्यादा मुखातिब हो चुके हैं, आपको बहुत ज़्यादा पता भी होगा इनके बारे में. सो लेट्स हैव अ ग्लिम्स ओवर इट एंड फाइंड आउट व्हाट इज इट. नाउ एड्स एन एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम दैट इज अ फेटल इलनेस कॉज्ड बाय रेट्रोवायरस HIV. ये आपको पता ही है, इट ब्रेक्स डाउन द बॉडी इम्यून सिस्टम. बॉडी की इम्यून सिस्टम बहुत ज़्यादा ब्रेक डाउन कर देता है, जिससे कि पेशेंट जो आपका वल्नरेबल हो जाता है एंड इट हैम्पर्स द सिचुएशन एंड क्रिएट्स अ कैओस इन योर लाइफ बाय सबटलिंग यू विद लाइफ थ्रेटनिंग अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन. अब आपके इम्यून सिस्टम को जाके इसने छेड़खानी कर दी है. तो आपको इम्यून सिस्टम जब छेड़खानी होती है तो क्या दिखता है वहाँ पे, समझने वाली बात है. व्हेन योर इम्यून सिस्टम गेट्स हैम्पर्ड और टैम्पर्ड बाय एनी वायरसेस, जैसा कि अभी कोरोना में हो रहा है आपके साथ, तो आप क्या देखते हैं, क्या पाते हैं कि आपका जो इम्यूनिटी है वो डाउनग्रेड हो जाता है, वो धीरे धीरे करके नीचे जाता है एंड वायरल सिम्टम्स आपके अप होते जाते हैं. सो दैट इज द बेसिक थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाइल फोकसिंग अपॉन द एड्स HIV. ओके, नाउ वी विल हैव अ क्विक ग्लिम्स ओवर द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. ये होता क्या है, एक ये प्रोटीन एनवेलप है जो कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पे. बेसिकली इसके अंदर होते क्या है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज और RNA, जो कि एक कोडेड मटेरियल फॉर्म में रखता है RNA अपने अंदर मैसेज को, और आपके बॉडी के अंदर जब सब्स्टिट्यूट हो जाता चला जाता है तो ये आपके अंदर का जो है ट्रांसक्रिप्ट उसको रिवर्स करता जाता है. रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट इज द मेन थिंग. ये जो है मेन प्रोटीन्स के स्पाइक्स हैं जो दिखते हैं हर जगह आपको, ठीक है. सो दीज आर द ग्रॉस एग्जाम्पल रिगार्डिंग द स्ट्रक्चर ऑफ HIV. नाउ सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट एन एपिडेमियोलॉजी, वी आर टॉकिंग अबाउट द कम्युनिटी मेडिसिन. सो बेसिकली ये फोकस क्या करता है, इट शोज मेल डोमिनेंसी इन एड्स. मेल्स को ज़्यादा होता है एड्स इन रिस्पेक्ट विद द फीमेल्स. तो मेल्स की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी ऑल ओवर पैन वर्ल्ड में. Occurs in all age groups and ethnic groups, किसी को नहीं छोड़ता ये. In all areas of the country are affected. AIDS is now the second leading cause of death for all men aged between 25 to 44 years. अब ये गौर करने वाली बात है कि ये जो एज ग्रुप है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, अनइंटेंडेड इंजरीज होती हैं, हार्ट डिजीज होता है, बट उसमें कि एड्स का एक अहम रोल होता है जहाँ पे आपको बात समझनी होती है, ठीक है. जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं, जो डार्क ब्राउन ब्राउनिस कलर है अफ्रीका का, यहाँ पे प्रिवलेंस ज़्यादा दिखा रहा है. वी आर हियर इन द इंडिया, इट्स एन ऑरेंज. यहाँ पे प्रिवलेंस मिनिमम 0.5 टू लेस देन 1% ऑफ द केसेस ऑफ पैन वर्ल्ड. नाउ वी कैन वेल अप्रिसिएट विद द मैप ऑफ इंडिया. इसमें क्या दिख रहा है आप बेसिकली अंडरस्टैंड करेंगे कहाँ कहाँ पे क्या है एरियाज में. हैदराबाद जो आपका मेन एंड आंध्र प्रदेश है वहाँ पे ज़्यादा प्रिवलेंस है, मुंबई में ज़्यादा प्रिवलेंस है, बैंगलोर में, चेन्नई में, एंड मीनवाइल कोलकाता वेस्ट बंगाल में भी ये ज़्यादा दिखता है. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV/AIDS इन इंडिया. ये डेटा 2006 का इसलिए है क्योंकि इस पर बहुत सारे रिसर्च भी हुए थे एंड ये प्रिवलेंट डाटा है. ओके, ये सोर्स जो हमने फोटोज लिया है वो नाको से लिया हुआ है. एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिपोर्ट केसेस इन 2006. HIV एजेंट में मेन खास रोल किसका होता है, RNA वायरस का होता है, विच रेप्लिकेट्स इन एक्टिवली डिवाइडिंग T4 लिम्फोसाइट्स. यूनिक एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय T4 हेल्पर सेल्स. रिजर्वायर होता है, वंस अ पर्सन गेट्स इन्फेक्टेड वायरस रिमेंस इन हिज बॉडी फॉर द लाइफ लॉन्ग. लंबे समय तक के लिए वायरस उसके बॉडी में इफेक्ट बनाए रखता है एंड द पर्सन इज सिम्टम लेस कैरियर फॉर ईयर्स बिफोर द सिम्टम एक्चुअली अपीयर. द मेन थिंग इज दैट व्हेन RNA वायरस इज अटैक टू योर बॉडी, ये आपके बॉडी में सिम्टमलेस रहता है, आपको कोई साइन सिम्टम देता नहीं है, जहाँ पे आप कन्फ्यूज रहते हैं, आपको कुछ पता नहीं चलता. बट एट अ सर्टन पीरियड ऑफ टाइम जब नंबर ऑफ डिजीज ये स्पॉन्सर करते रहता है अपने तरफ से, अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन को बढ़ावा देते रहता है अपने तरफ से, तब आपको समझ में आता है कुछ ना कुछ गड़बड़ी चल रही है बॉस, नाउ यू नीड टू गेट एक्टिव. सो ये हो गया अपना एजेंट. सोर्स क्या होता है, द वायरस फाउंड इन द ग्रेट कंसेंट्रेशन इन ब्लड, CSF एंड सिमन, जहाँ के थ्रू आता है. लोअर कंसेंट्रेशन हैव बीन फाउंड इन टीयर, सलाइवा, ब्रेस्ट मिल्क, यूरिन, सर्वाइकल एंड वजाइनल सेक्रेशंस.
also isolated from brain tissue, lymph nodes, bone marrow cells, and skin. However, only blood and semen are known to transmit the virus. चलो, thankfully अब आपको ये पता लग गया कि जो आपके पास main prime focus है वो आपका blood and semen है, जो कि आपके virus को transmit करता है. And rest secrete करता है, but transmit नहीं होता है. Okay, are you getting a part? This is a pictorial diagram which you can well appreciate. Blood, semen, vaginal fluid, amniotic fluid, and saliva. Now I will be discussing about something called host, जो हम लोग epidemiology के साथ देख रहे हैं, agent, host, environment. तो ये host में होता क्या है? Basically अब हम बात करते हैं age group का. ये 20 to 49 जो year age group है, उसमें क्यों होता है? समझने वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे people sexually active रहते हैं. हाई रिस्क ग्रुप में क्या होता है? मेल होमोसेक्सुअल्स, हेटरोसेक्सुअल्स, पार्टनर, आईवी ड्रग अब्यूजर्स, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रेसिपिएंट्स एंड हीमोफीलियाक्स एंड द पेशेंट हैविंग एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज को हो रखा है, वो एक हाई रिस्क ग्रुप पेशेंट बनते हैं हमारे होस्ट में. नाउ एचआईवी ट्रांसमिशन होता कैसे है? एचआईवी इंटर्स अ ब्लड स्ट्रीम थ्रू ओपन कट्स, ब्रेक्स इन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन, डायरेक्ट इंजेक्शन. ओके, जो अब आपके पास कट हुआ, जो भी आपको दिखा आपके बॉडी को हैम्पर होते हुए, जहां से आपको लाइव स्ट्रीम डायरेक्ट कनेक्शन विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट हो सकता है, वहां से आपको एक ओपन सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का वो दिखता है, चांस दिखता है. जैसे कि आपका जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन टाइम टू टाइम चेंज होता गया, म्यूकस सिक्रीट होती गई, डायरेक्ट इंजेक्शन ले लिया आपने, किसी दूसरे का इंजेक्शन आपने खुद ले लिया, ठीक है, एक ने यूज किया, आपने यूज कर लिया विदाउट स्टरलाइजिंग इट, तो फिर ऐसे में क्या होता है? जब आपके अंदर इम्यूनो डिफिशेंसी जो क्रिएट होती है एंड द वायरस गेट एन अपॉर्चुनिटी टू गेट इनटू इट, ठीक है. तो बेसिकली द थिंग इज दैट ये ओपन कट, ब्रेक इन द स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन एंड डायरेक्ट इंजेक्शन आर द मेन सोर्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी. मेनली क्या है? सेक्सुअल कॉन्टैक्ट है, ब्लड एक्सपोजर है एंड पेरिनेटल है. पहला जो आपका सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होगा मेल टू मेल, मेल टू फीमेल और वाइस वर्सा एंड फीमेल टू फीमेल, जहाँ पे हम यूज करते हैं अनप्रोटेक्टेड सेक्स को अपने मेन सोर्स बनाते हैं. तो आपका ये जो एक्सपोजर है बहुत ही खतरनाक और घातक साबित होता है आपके डेली लाइफ में, कहीं ना कहीं आप इससे बाद में जूझते हैं. ब्लड एक्सपोजर में देखा जाए तो इंजेक्टिंग ड्रग यूज, निडलिंग, शेयर, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड प्रोडक्ट्स. एंड पेरिनेटल में अब जब एचआईवी मदर है, उसको बेबी होने वाला है, तो इट्स अ क्रूशियल थिंग विच यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट वी आर टॉकिंग. उनको ब्रेस्ट फीडिंग के लिए बहुत दिक्कत आती है, तो ट्रांसमिशन बेबी से मदर से बेबी में हो भी सकता है रिगार्डिंग ब्रेस्ट फीडिंग, ठीक है. जो ये एचआईवी है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये आपके डिफेंस मैकेनिज्म को हैम्पर करता है कहीं ना कहीं. अब ऑक्यूपेशनल ट्रांसमिशन में क्या होता है? हेल्थ केयर वर्कर, हॉस्पिटल स्टाफ, लेबोरेटरी वर्कर. अदर रूट्स में क्या होता है? ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन कर दिया आपने, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दिया, और निडल प्रिक जो कि इन्फेक्टेड पर्सन का था उससे आपने अपने आप को कर लिया. तो यहाँ पे आप कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज होता है, आपका लाइफ जेपरडाइज होता है. सो बी अवेयर व्हेन यू आर गोइंग टू एनी प्लेस वेयर द सेफ्टी मेजर्स हैज नॉट बीन टेकन, सो प्लीज ओपन योर आईज एंड ईयर सो दैट यू कैन हेल्प योर सेल्फ. Now, एक बहुत ही अच्छी बात है इनक्यूबेशन पीरियड. अभी इनक्यूबेशन पीरियड क्या होता है? इनक्यूबेशन पीरियड इज फ्रॉम एचआईवी, इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन, टिल डेवलप्ड ऑफ एड्स. जो ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस है जो इनक्यूबेट करता है, ये तब तक फुल ब्लोन होता है जब आपको ये एड्स करा देता है. इट इज फ्रॉम अ फ्यू मंथ्स टू 10 years और इवन मोर. अब आप लकी हैं तो आपको कुछ एक महीनों में, कुछ एक सालों में पता लग जाएगा, नहीं तो ये लंबे अरसे तक भी आपको पता नहीं चल सकता है, unless and until you get jeopardized with other opportunistic infection. However, it is estimated that 75% of people infected with HIV will develop AIDS at the end of 10 years. एक approximation लिया गया है कि at the end of 10 years जो almost जो affected people हैं वो cover up होंगे इसमें. Now, let's have a glimpse over the HIV infected T cells. क्या देखते हैं यहाँ पे? जो main function है HIV virus, आपके helper T cells जो body में होते हैं, immune system वहाँ पे जाते हैं, hello hi करता है, and यहाँ पे
हम देख लेते हैं एचआईवी इन्फेक्टेड टी सेल्स क्या होता है। एचआईवी वायरस जो है आपका टी सेल से इंटरेक्ट करता है, एचआईवी इन्फेक्टेड कर देता है टी सेल्स को। नाउ अब जो टी सेल्स है मेमोरी सेल्स है, ये जो एचआईवी वायरस इसके अंदर आया है इसको ये रेप्लिकेट करना चालू करता है, एंड इसके बाद ये धीरे धीरे आपके ब्लड स्ट्रीम में फैलता चला जाता है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कसिंग अबाउट द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। इनिशियल इन्फेक्शन क्या होता है, असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट क्या होता है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स क्या होता है एआरसी, एंड एड्स के अंदर हम क्या देखते हैं ग्रॉसली। इनिशियल इन्फेक्शन क्या होता है, इनिशियल इन्फेक्शन नॉर्मल सी बात है, जब आपको इन्फेक्शन हुआ तो आपको बुखार आएगा ही, वीकनेस आएगा, वीकनेस के साथ साथ आपको जो एक्सपीरियंस करने मिलेगा वो कुछ हफ्तों बाद आप देखेंगे कि जो आपका इन्फेक्शन है वो ख़त्म होने के बजाय वो सबसाइड हो रहा है एंड फिर से टाइम के साथ इलिसिट हो रहा है। सो कहीं ना कहीं ये एक इन्फेक्शस फेज है जो आपको नंदाज नहीं करना है। हाउएवर दे कैन इन्फेक्ट अदर्स, वंस इन्फेक्टेड द पीपल इन इन्फेक्टेड फॉर अ लाइफ टाइम। दुख की बात यह है, एक बार आप इन्फेक्ट हो गए तो यह आप इन्फेक्टेड रहते हैं लाइफ टाइम के लिए। एंटीबॉडी रेस्पॉन्स यूजली टेक 2 to 12 वीक्स टू अपियर इन द ब्लड स्ट्रीम। दिस पीरियड इज कॉल्ड द विंडो पीरियड, एंड इसमें यदि आपने टेस्ट कराया अपना तो आप निगेटिव ही टेस्ट आते हैं। नाउ वी विल सीइंग अ ग्राफ, बहुत ही अच्छा ग्राफ बताया है यहाँ पे। एच आई वी इन्फेक्शन एंटीबॉडी रिस्पॉन्स देखते हैं। इनिशियल स्टेज में फ्लू लाइक सिम्टम्स रहेगा या सिम्टम्स नहीं दिखेगा, इंटरमीडिएट स्टेज में सिम्टम फ्री रहेंगे आप, एंड लेटर स्टेज जो कि आपका ड्रेडफुल लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन जाता है वो हो जाता है आपका एलियन स्टेज, जहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ों से जूझना पड़ता है। अब ये यहाँ पे ही बताना चाह रहा है, ये लेस देन 6 मंथ में इन्फेक्शन होगा और ये ईयर टू ईयर कंटिन्यू करता जाएगा। तो एक्यूट एच आई वी सिंड्रोम क्या होता है, फॉलो 3 to 6 वीक्स। अब एक्यूट एच आई वी इन्फेक्शन में देखिए सीरीज ऑफ इवेंट टेक प्लेस होता है सिस्टमेटिकली। पहले आपका फीवर होगा, वेट लॉस होगा, और वेट लॉस होगा तो आपको कमजोरी आएगी, मलाइज होगा, हेडेक होगा, एंड न्यूरोपैथी होगी। ठीक है, उसके साथ साथ ये जो कन्वर्जेंस हो रहा है आपके साथ ये क्या लीड करेगा, फ्रेंजाइटिस छिल जाएगा, आइटिस इन्फ्लामेशन होगा फ्रेंजिस का, माउथ में सोरनेस एंड थ्रस्ट दिखेगा, ओरल थ्रस्ट, म्यूकोसल थ्रस्ट देता है, सफेद सफेद दाग हो जाते हैं, लिम्फ नोड्स होगा, लिम्फोडर्मोपैथी हो जाएगी, लिम्फ नोड्स में लिम्फ नोड्स स्वेलन हो जाएंगे आपके, इसोफेगस में सोरनेस आ जाएगा, जो आप खाना खाते हैं वो आपको बहुत ही पेनफुल रहेगा, मसल्स में एलर्जिया हो जाएगा, स्किन में रैसेस हो जाएंगे, पेटिचियल हेमरेजेस भी हो सकते हैं, बहुत टाइप के रैसेस हो सकते हैं, लिवर एंड स्प्लीन थोड़ा सा बढ़ सकता है क्योंकि एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, एंड स्प्लीन वैसे भी ग्रेवियार्ड ऑफ द आरबीसीज होता है, तो यहाँ पे यदि आरबीसीज ब्रेक डाउन एक्स्ट्रा हो रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है हाइपोस्प्लीनेमिया हो जाएगा, स्प्लीनोमेगाली हो जाएगा। असिम्प्टोमेटिक कैरियर स्टेट में बात करें, इन्फेक्टेड पीपल विद एंटीबॉडीज बट विदाउट एनी ओवर्ट साइन ऑफ डिजीज एक्सेप्ट परसिस्टेंट जनरलाइज्ड लिम्फोडर्मोपैथी, इट इज हाउएवर नॉट फॉर्मली क्लियर अबाउट हाउ लॉन्ग डज द सिम्प्टोमेटिक स्टेज लास्ट। असिम्प्टोमेटिक स्टेज की सबसे बुरी बात यह है कि कब तक ये रहेगा आपको खुद को नहीं पता और इसका कोई प्रेडिक्शन लगा नहीं सकता है। ठीक है, एड्स रिलेटेड कॉम्प्लेक्स में हम देख लेते हैं, इलनेस होता है कॉज ड्यू डैमेज टू द इम्यून सिस्टम but without the opportunistic infection and cancers associated with AIDS they may exhibit unexplained diarrhea। diarrhea हो गया, कब तक होगा कब तक नहीं होगा ये आप भी नहीं जानते, night sweats, fatigue, malaise, loss of body weight more than 10%, अचानक से sudden loss, signs of mild infection like oral thrush, lymphadenopathy, enlarged spleen, ये मैंने आपको बताया। कॉमन मैनिफेस्टेशन हम देखेंगे लंग इन्फेक्शन में पी कारना निमोनिया हो जाता है, निमोनिया मतलब आपको समझ में आता ही है, पढ़ा है देख रखा है। जीआई में देखेंगे कैंडिडेसिस ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस में वो सोरनेस एंड एसिडिटी बना रहेगा। स्किन इन्फेक्शन में कपोसिस सारकोमा दिखेगा, मेनली रेड और वायलेट मैक्यूल और पेपुल्स हो जाते हैं। सीएनएस सिस्टम में टॉक्सोप्लाज्मोसिस, डिमेंसिया, मेनिंजाइटिस, प्राइमरी सीएनएस लिम्फोमास, प्रोग्रेसिव मल्टीफोकल ल्यूको इंसेफेलोपैथी हो जाएगा। सो बेसिकली जब हम बात कर रहे हैं नेचुरल हिस्ट्री देखें अपन यदि एच आई वी वन इन्फेक्शन का, तो सीरीज ऑफ एरे ऑफ द थिंग्स विच यू नीड टू अंडरस्टैंड कहाँ कहाँ ये जेपरटाइज हो रहा है और कहाँ कहाँ बन रहा है। सर ग्लिम्स ऑफ सम पिक्स, कापोसिस सारकोमा कैसा दिखता है, कैंडिडेसिस ऑफ माउथ है जो मैंने बताया सफेद दिखता है। ठीक है, सोलन पार्ट्स में
जो आपकी टंग है वो नॉर्मल से ज़्यादा स्वेल हो जाएगी, ताकि जब आप ग्लॉस खाना गटकोगे तो वो वहाँ पे पुशअप करेगा, बंद कर देगा। ये ओरल थ्रस्ट हियर, बॉडी टिश्यू का डिटोरिएशन हो रहा है, सिंपल सा स्कार था पहले, स्कार के बाद ये आपका ब्लैकनिंग कराता चला गया क्योंकि वो एरिया में सर्कुलेशन धीरे बंद होती चली गई। ओके, एक्सट्रीम वेट लॉस, लिम्फेडनोपैथी, आप देख भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। पिकाना निमोनिया आप देख सकते हैं, प्राइमरी सीनस लिम्फोमा भी होता है, वो भी आप देख देख सकते हैं। नाउ कॉजेस कंट्रीब्यूटर ऑफ रिस्क फॉर एचआईवी रिस्क, कौन कौन सी चीजें जो एचआईवी के रिस्क को कंट्रीब्यूट करती हैं, कॉज करते हैं। स्ट्रक्चर लेवल बात करेंगे, कम्युनिटी लेवल बात करेंगे, इंडिविजुअल लेवल पे। स्ट्रक्चर लेवल पर रिसोर्स अवेलेबिलिटी, फिजिकल इन्वायरमेंट, ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम, लॉ एंड पॉलिसी। इन्वायरमेंटल लेवल पर हम कम्युनिटी लेवल बात करेंगे तो कम्युनिटी नॉर्म्स, सोशल नेटवर्क, सोशल कैपिटल, कलेक्टिव एफिकेसी एंड रिसेप्शन रिलेशनशिप्स। इंडिविजुअल लेवल में बात करेंगे तो बिहेवियर, एटीट्यूड, नॉलेज, परसेप्शन, बायोलॉजी, जो कि हम देखते हैं, और सबका कहीं ना कहीं एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है इंडिविजुअल ससेप्टेबिलिटी पे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द बेस्ट पार्ट, दैट इज ऑफ प्रिवेंशन। इसमें क्या क्या होता है देख लेते हैं। तीन चीजें होती हैं जहां पर आपको ध्यान देना होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। प्राइमरी फेज में क्या होता है भैया, प्रिवेंशन रेफर्स टू एन एक्टिविटी फोकस ऑन प्रिवेंटिंग अनइफेक्टेड पीपल फ्रॉम बिकमिंग इन्फेक्टेड। सेकेंडरी प्रिवेंशन एम होता है इनेबलिंग पीपल विथ एचआईवी टू स्टे वेल, बराबर टाइम टू टाइम उसकी एंटीबॉडीज चेक की जाती है, ठीक है। एंटी डिस्क्रिमिनेटरी लॉबिंग होता है ताकि वो नॉर्मल सोशल लाइफ जी सके जब तक है। एंड टर्सरी एचआईवी में क्या होता है, प्रिवेंस एम्स टू मिनिमाइज द इफेक्ट ऑफ इल हेल्थ एक्सपीरियंस बाय समवन हु इज सिम्टोमेटिक विद एचआईवी डिजीज, ठीक है। नाउ आप डायग्नोस कैसे करेंगे, फटाफट देख लेते हैं। एचआईवी एंटीबॉडी टेस्ट जो हम करते हैं यूजिंग एन एंटीजन और विदाउट विद डिफरेंट प्रिंसिपल ऑफ टेस्ट। वायरल एंटीजन टेस्ट करते हैं, इसमें ब्लड स्क्रीनिंग करते हैं, डिटेक्शन ऑफ वायरल न्यूक्लिक एसिड इन द ब्लड, वायरल न्यूक्लिक एसिड का हमने डिटेक्ट करते हैं ब्लड में, डिटरमाइन द CD4 काउंट्स टू एसेस दैट डिजीज प्रोग्रेशन, जो भी डिजीज प्रोग्रेस हो रही है वहाँ पे CD4 काउंट को हम लोग एसेस करते हैं ताकि हम एक अच्छे निष्कर्ष पर निकल पाए। इन इंडिया बेसिकली टेस्टिंग जो हम लोग करते हैं वो कहाँ करते हैं, आईसीटी सेंटर पे करते हैं। आईसीटी सेंटर क्या होता है, इंटीग्रेटेड काउंसिलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर होता है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। यहाँ पे सैंपल्स कलेक्ट किया जाता है, आपकी जो आइडेंटिटी है उसको हाइड आउट करके नॉर्मल लिविंग बींग्स की तरह आपको मार्केट में रखा जाता है, आपके साथ कोई छेड़खानी या दुर्व्यवहार ना हो इस बात का अक्सर खासा ध्यान रखा जाता है। नेक्स्ट आता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के बाद मेडिकल कॉलेजेस, यहाँ फ्री एचआईवी टेस्टिंग होती है, कॉन्फिडेंशियल काउंसिलिंग करते हैं, रेफर टू द नियरेस्ट ईआरटी थेरेपी देते हैं, सेंटर देते हैं यदि आप पॉजिटिव आते हैं तो। इसके साथ ही साथ सेंट्रल सर्वेलेंस भी करते हैं। एंटीरेट्रोवायरल ड्रग्स में हम बात करें तो एनआरटीआई, एनएनआरटीआई एंड पीआई। एनआरटीआई क्या कहता है, जियोवुडिन, लेमोवुडिन, स्ट्रेवुडिन, ठीक है, डायनोसोनाइड, जेल जेलसी टेबाइन, अबाकावावीर, टेनोवीर, टीवीएफ एंड एम्ट्रीसिटाबाइन। सो दीज आर द एन नंबर ऑफ ड्रग्स जो एनआरटीआई में होते हैं। एनआरटीआई में नेवेपरिन, इवेपरिन जो कि चलता है, इंटीग्रेस इनहिबिटर में बात करें तो राल्टेगावीर एंड CR5 एंटागोनिस्ट में मारवीग्रॉक, मारावीरॉक, ठीक है। सो दीज आर द एन नंबर ऑफ ड्रग्स, आपको ड्रग्स रखने याद रखने की जरूरत नहीं है, बस कुछ एक नाम पता होना चाहिए। जिमोडिन, लेमोडिन इज द कॉमनेस्ट नेम, नेवेपरिन, इवेपरिन, ठीक है। तो आप इससे अपने आप को हेल्प आउट कर सकते हैं व्हेन एनीबॉडी इज आस्किंग विद यू इन द वे आल्सो। नाउ वी विल टॉकिंग अबाउट द प्राइम फोकस, प्रिवेंशन में क्या करते हैं, अवॉइड मल्टीपल पार्टनर, यूज कॉन्डम करने बोलते हैं, यूज स्टराइल नीडल्स बोलते हैं, नेवर सेयर नीडल्स, अवॉइड अननेसेसरी ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ऑल प्रेगनेंट वुमेन शुड बी टेस्टेड फॉर एचआईवी, ठीक है। यूज स्टैंडर्ड प्रिकॉशन, हैंड हाइजीन, पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर, प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट HBV एंड एजुकेशन रिगार्डिंग द सेम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर, जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वहाँ पे एक्सपोजर होता है तो क्या करते हैं। वहाँ पे नीडलिस्टिक इंजरी हो सकती है, सारा ऑब्जेक्ट कट सकता है, कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस मेम्ब्रेन हो सकता है, कॉन्टैक्ट विद द नॉन इंटैक्ट स्किन हो सकता है, एब्रेड जैब्ड और डर्माटाइटिस, मशीन में हाथ चला गया, हाथ खींच गया, कोई नहीं, हाथ नाखून लग गया, सामान लग गया, औजार लग गया, तो ये सारी बीमारियां हो सकती हैं।
नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एक्सपोजर साइट. अब एक्सपोजर साइट को मैनेज कैसे करेंगे? डू नॉट पैनिक ओवर द स्किन. जो आपका घाव का एरिया है उसको हम लोग वॉश करेंगे विद सोप एंड वाटर, अच्छे से धोएंगे, स्क्रब नहीं करेंगे, एंड वी विल यूजिंग एंटीसेप्टिक ऑब्वियसली विद द स्किन वॉशेस. जो भी एक्सपोजर हुआ है आपके साइट पे, ठीक है, यदि आई में है तो उसको इरीगेट कर क्लीन करेंगे, माउथ में तो स्प्रिट द फ्लूइड इमीडिएटली एंड रिंस इन द माउथ, ठीक है. नाउ पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस प्रिस्क्रिप्शन में क्या बात कर रहे हैं? पोस्ट एक्सपोजर एंड प्री एक्सपोजर, ठीक है. अपने पास दो वर्ड आते हैं, प्री एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस एंड पोस्ट एक्सपोजर प्रोफिलैक्सिस. तो ऐसे में क्या करते हैं, कॉन्टेक्ट करते हैं एआरटी स्पेशलिस्ट को, ठीक है. डिसीजन स्टार्टिंग पीईपी बेस्ड ऑन द एक्सपोजर टाइप एंड एचआईवी स्टेटस सोर्स. डिसाइड पीईपी रेजिम्स कौन कौन से दे सकते हैं, क्या क्या नहीं दे सकते हैं, आपको आपका उनका लिस्ट पता होना चाहिए. बेसिक रेजिम बेसिकली कंबाइन ऑफ टू ड्रग कॉम्बिनेशन थेरेपी. एक्सपेंडेड में क्या होता है, तीन ड्रग के कॉम्बिनेशन रहते हैं. इफ सोर्स पर्सन इज ऑन एआरटी ड्रग अपकमिंग टॉपिक वी विल बी डिस्कसिंग, एक्सपर्ट शुड बी कंसल्टेड आफ्टर जमने बात स्टार्टिंग टू डेज टू ड्रग. प्लीज पे अटेंशन. पोस्ट एक्सपोजर हम बात कर रहे हैं, इंडिया रिकमेंडेड फॉर ऑपरेशनल एक्सपोजर. इट शुड बी स्टार्टेड एज अर्ली एज पॉसिबल विद इन 22 आवर्स. यदि आपको पता लगता है कि ऐसा कुछ एक्सपोजर हुआ आपके पास, तो फटाफट आप आईसीटीसी सेंटर जाएंगे, वहां अपने आप को एनरोल कराएंगे, टेस्ट कराएंगे, एंड विद इन 72 आवर्स आप दवाएं चालू कर सकते हैं. HIV testing should be done at a baseline 6 weeks, 3 months and 6 months पे regular interval पे हम करते हैं, क्योंकि ताकि इनका जो efficacy rate आपके body के अंदर दिख रहा है, immunity का deficiency जो आपके body में हो रही है उसको हम लोग follow up कर पाएं. एक precise note है, HIV from being a virtual death sentence has been brought down to being a chronic manageable disease. जो एच आई वी पहले वर्चुअल डेथ सेंटेंस दिमाग में लगता था वर्ड सुन के, भैया इसको एच आई वी हो गया तो मतलब तो ये जाने वाला है, ऐसा कुछ नहीं रहा है अब, ठीक है. टू बी प्रिसाइज ऐसा कुछ नहीं रहा है, बट ऑन बिहाफ इट हैज चेंज एंड बीइंग टू बिकम अ क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज. जो भी आपके क्रॉनिक मैनेजेबल डिजीज हैं उसमें ये कन्वर्ट करके हम लोग उसको ट्रीट कर देते हैं. सो थैंक्स फॉर द पेशेंट लिसनिंग अबाउट इट. Hope we'll have continued with all the topics जो छूना चाहिए था, हमने important points देख लिया है. Kindly jot down wherever you like to, it is a necessary part. And hope we'll meet in the next class. Till then, take care. Bye bye. Thank you.